एक ऐसी मूवी जिसको इंडिया में शूट तो किया गया है लेकिन उसको इंडिया में रिलीज नहीं किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ देव पटेल द्वारा बनाई गई मंकी मैन मूवी की, जिसको मैं देख के खत्म कर ली। और इसको देखने के लिए से बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े। क्यों पापड़ बेलने पड़े? क्योंकि इस मूवी को इंडिया में बैन किया गया है, बाहर के जितने भी देश सब जगह इसको रिलीज किया गया है, लेकिन मैंने इसको देखा VPN के द्वारा। हाँ सही सुन रहे हो, तो मैंने VPN का यूज़ किया, उसके बाद जाके इस मूवी को देखा। और भाई जो VPN मैंने यूज़ किया था वो काफ़ी स्लो चल रहा था और मेरा काफ़ी ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा था बार बार, लेकिन फिर भी मैंने उस मूवी को पूरी कंप्लीट किया। तो कैसी है ये मूवी और क्या ये आपको देखनी चाहिए कि नहीं, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने वाले हम लोग। तो देखो अगर बात करें मूवी को देखने की तो आप लोग को इंडिया में ये मूवी देखने के लिए नहीं मिलेगी, आप लोग को इंटरनेट की सदियों का इस्तेमाल करके ये मूवी को देखना पड़ेगा VPN के द्वारा आप लोग को देखना पड़ेगा इस मूवी को। बात करें इस मूवी की तो इस मूवी को देखने के लिए आप लोग को टोटल 2 घंटे का वक्त देना पड़ेगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो बॉबी नाम का कैरेक्टर रहता है जो अपनी माँ से बेहद बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऑफकोर्स भाई हर कोई इंसान अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो भी एक ऐसे गांव में रहता है जहाँ उसकी माँ उसको हमेशा हनुमान जी के बारे में बताती है कि हनुमान जी कौन थे। लेकिन उस दौरान जहाँ पे वो रहता है कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और भाई उसके गाँव को पूरा जला देते हैं और उसको माँ के साथ भाई बहुत ही बेरहमी तरीके से रेप करते हैं। भाई ये बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसके बाद जब वो बड़ा होता है, एक अंडरडॉग जब बन जाता है, उसके बाद वो एक बहुत ही बड़ा रिवेंज लेता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि जिन्होंने मेरे गांव को जलाया और मेरी माँ के साथ ये सब चीज़ें की वो भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं और वो एक क्लब चलाते हैं। उसके बाद भाई वो जाता है उस क्लब में भैया, फिर अपना रिवेंज लेना चालू कर देता है, मतलब अपनी माँ का बदल लेता है। और भाई वो जितने भी विलन रहते काफ़ी बड़े बड़े रहते, इसी औकात से बहुत ज़्यादा ऊपर रहते, लेकिन भाई सबको मास्क पहन के बहुत ज़्यादा मारता है बंदा। तो आप लोग को स्टोरी ये देखने के मिलती है। स्टोरी कुछ खास नहीं बोलूँगा, ऐसे स्टोरी आप लोगों ने बॉलीवुड की काफ़ी ऐसी मूवीज में देखा होगा, लेकिन ये हॉलीवुड की मूवी है। ट्रस्ट मी ब्रो, स्टोरी भले एक फीकी हो लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, देव पटेल ने जिस तरीके से अपने माल पूरा इसके अंदर डाला है वो आप लोग को देख के काफ़ी मज़ा आता है। चाहे वो कैमरा वर्क हो, सिनेमाटोग्राफी हो, या उसके बाद हम लोग फाइट सीक्वेंस की बात करें, हर एक तरीके से ये मूवी आप लोग को मज़ेदार लगती है। चाहे आप लोग ने एनिमल देखा हो या जॉन विक देखा हो, वहाँ पे इस टाइप का आप लोग को मज़ा तो देखने में नहीं मिलता, लेकिन जहाँ जहाँ फाइट सीक्वेंस होती है आप लोग को वाह वाह उस टाइप का माल मटेरियल देखने के मिलता है कि हाँ भाई फाइट सीक्वेंस चल रही। तो जॉन विक वाला हल्का टोन डालने की कोशिश की लेकिन टोन नहीं डाल पाए, लेकिन फाइट सीक्वेंस होती है तो काफी ज्यादा मजा चलता है। तो बात करें इस मूवी की फाइट सीक्वेंस की तो काफी भर भर के इस मूवी के अंदर फाइट सीक्वेंस दिया गया है। और भाई एक चीज बोलना चाहूंगा इस मूवी को लेकर, इसके अंदर जो कैरेक्टर दिखाया जाता है बॉबी का, अपने जो देव पटेल रहते हैं जिन्होंने मेन लीड के अंदर इसके अंदर एक्टिंग की है, वो जो बंदा भाई उसका डायलॉग भले कम है, बंदा कुछ बोलता नहीं है ज्यादा मुंह से, लेकिन उसके आंखों में लगता है कि बंदा सामने से अगर मिल गया तो तुम्हें पेल देगा, इतना इतना ज्यादा बदले की आग रहती है। वो चीज़ आप लोगों को देखे काफी ज्यादा स्क्रीन पर बहुत ज्यादा मजा आता है, जिस तरीके से इतने कैरेक्टर में अपने आप को प्ले किया वो चीज़ देख के काफी ज्यादा मजा आता है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ ये लोगों को मारता है वहाँ पर जो कैमरा वर्क दिखाया गया, वहाँ पर जो सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई, वो चीज़ देख के आप लोगों को काफी काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ऐसी सिनेमाटोग्राफी देखने में बहुत ही मजा आता है। जो आप लोग को फाइट सीक्वेंस के साथ साथ एंगल जो दिखाती हूँ वो चीज़ आप लोग को काफी अच्छा लगता है देखने में। हाँ भाई चलो क्या फाइट सीक्वेंस चल रहे हैं यहाँ पे। और उसके साथ ही साथ जो और भी कैरेक्टर है उन सब ने सभी ने एक्टिंग अच्छी की है, बस इस विलन को छोड़ के बोलूंगा, क्योंकि देखो इस विलन को भाई एक्टिंग बहुत ही तगड़ा करता है। भाई उसकी मैंने पहले बहुत ज्यादा मूवी देखी जहाँ विलन का रोल भाई बंदा अच्छा करता है, लेकिन इस मूवी के अंदर इसको बिल्डअप नहीं किया कि अगर जो विलन है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके पीछे किसका किसका हाथ है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। आओ भाई तुम विलन को पेल के चले रहो, विलन को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उसके जाने से उसके होने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। भाई इस तरीके से इस कैरेक्टर को रखा गया, मैं चाह रहा था कि इस कैरेक्टर जो विलन का था इसको और भी बैड तरीके से इंट्रोड्यूस कराता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता, थोड़ा और भी विलन वाला टोन रखते, लेकिन भाई ऐसा नहीं किया। देव पटेल ने ज़्यादातर अपनी एक्टिंग और भाई अपने फाइट सीक्वेंस के ऊपर फोकस किया, वो चीज़ देख के भी सही लगता है। अगर तुम्हें ये सब सुन के सोच रहे हो कि ये मूवी काफ़ी अच्छी, तो सुनो मूवी एक्शन वाइज तो काफ़ी अच्छी है लेकिन स्टोरी से बहुत ज़्यादा मार खाती है, क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा फीकी है। स्टोरी से आप लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लोग खाली एक्शन देना चाहते हो तो आप लोग इस मूवी के साथ जा सकते हैं आराम से। बात करें इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की, फैमिली के साथ इस मूवी को मत देखना, इसमें काफ़ी आप लोग को अडल्ट चीज़ देखने को मिलेगी, ब्रूटैलिटी देखने को मिलेगी, खून खराबा देखने को मिलेगी। फैमिली के साथ इस मूवी को चेकआउट मत करना। और वैसे भी तुम लोग को देखना है तो भाई तुम लोग को पहले बता चुका हूँ कहाँ देखना है, कैसे देखना है, वहाँ से जाकर तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो टिल देन टेक केयर।